हेलो भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है ऑफिशियल कार डेकोर की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आज हमारे सामने गाड़ी है वो रहने वाली है डिजायर 2S। क्या कुछ अपग्रेड है एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में यहाँ पे ज्यादा कुछ अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी किसी भाई को अपग्रेडेशन करवानी है तो आप पूरी की पूरी हेडलाइट चेंज करवा सकते हैं, या अपनी स्टॉक हेडलाइट के अंदर किसी भाई को LED सेटअप करवाना है तो यहाँ पे आप LED भी लगवा सकते हैं। कई वॉट्स में अवेलेबल मिल जाएगी, 150 वॉट, 200 वॉट, 340 वॉट तक आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। तो LED सेटअप भी करवा सकते हैं, काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और साथ में रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर हलोजन ही है, किसी भाई को करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे उनो मिंडा की हमारी फॉग लाइट लगाई गई है, जिसके अंदर हलोजन बल्ब भी रहने वाला है। बाकी किसी भाई को फॉग लाइट में भी अपग्रेडेशन चाहिए तो आप यहाँ पे प्रोजेक्टर लगवा सकते हैं, IPH के प्रोजेक्टर मिल जाएंगे। उसके अंदर आप LED सेटअप करवाते हैं तो रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है, उसके थ्रो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ में अपनी स्टॉक फॉग लाइट के अंदर ही ये जो फॉग लाइट है हमारी उनो मिंडा की, इसमें हलोजन बल्ब को आपको चेंज करवाना है तो आप इसमें वो भी करवा सकते हैं, इसमें भी LED सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से तो यहाँ पे खाली हमारी फॉग लाइट लगाई गई है, बाकी आपको बता दिया यहाँ पे क्या कुछ आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अलॉय व्हील लगवा सकते हैं यहाँ पे, थोड़े फैंसी आप यहाँ पे व्हील कैप भी लगवा सकते हैं, फैंसी व्हील कैप भी मिल जाएगा जो थोड़ी सी आपको अलॉय वाली लुक देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो किसी भाई को साइड बीडिंग, जैसे कि भैया लगवा के आए हैं तो साइड बीडिंग वगैरह भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ में हैंडल क्रोम लगवा सकते हैं, लोअर गार्निश लगवा सकते हैं। उसके बाद बात करें डोर वाइजर भी भैया लगवा के आया है, बाकी किसी भाई को लगवाना है तो आप वो भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मिरर जो है वो चेंज नहीं है, बाकी किसी भाई को मिरर चेंज करवाने हैं, मोटर वाले चाहिए वो भी मिल जाएगा, और किसी भाई को यहाँ पे ऑटो फोल्ड चाहिए प्रॉपर तो आप वो भी करवा सकते हैं, उसकी प्राइसिंग भी आपको बता दी जाएगी। बात करें यहाँ पे बैक प्रोफाइल में, बैक प्रोफाइल में खाली हमारा यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और बात करें मिरर की, तो मिरर गाइस आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपये के अंदर। देख सकते हैं मिरर जो है ऑटो फोल्ड आपको कंप्लीट 8,500 रुपये में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मिरर का, तो आपको मैंने प्राइसिंग बता ही दिया है, बेस टू टॉप कराने पे आपको 8,500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी किसी भाई को मोटर लगवानी है वो लगवा सकते हैं, कैमरा यहाँ पे दिखा दिया आपको। डिगी लॉक ओपनर लगवाना है यहाँ पे तो 2,800 रुपये में, बेस टू टॉप कराने पे 2,800 रुपये में आपको डिगी लॉक भी यहाँ पे लगा के दे देंगे। मारुति जेन्युइन होगी, आपके सामने ही सारी वायरिंग को ओपन भी किया जाएगा और उसके बाद हर एक चीज जो है गाइस आपके सामने ही ओपन की जाएगी, यानी कि पीठ पीछे सारा काम करा जा रहा है, सारी चीजें आपके सामने रहने वाली है। तो प्राइसिंग वाली वीडियो रहने वाली है, फुल प्राइसिंग बताऊंगा आपको हर एक चीज की क्या कुछ रहने वाली है। बात करें अब इंटीरियर की, चलते हैं इंटीरियर में क्या कुछ अपग्रेड है। तो भाइयों आ गए अब इंटीरियर में क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारी जो बेसिक नीड होती है ना गाड़ी के अंदर वो है हमारी यहाँ पे पावर विंडो, क्योंकि गाइस बिना पावर विंडो के गाड़ी चलाने में बिल्कुल मजा भी नहीं आता, क्योंकि गाइस कब तक डंडे से बार बार यहाँ पे शीशे जो है ऊपर करोगे फिर नीचे करोगे, तो वो चीज की झंझट को यहाँ पे हटा दिया जाता है। उसकी जगह यहाँ पे देख सकते हैं हमने पावर विंडो इंस्टॉल किया है, पूरा जेन्युइन रहने वाला है, देख लीजिए प्रॉपर जेन्युइन है। यहाँ वुडन भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं जो जेन्युइन की पहचान भी होती है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा वुडन देखने को मिल रहा है। साथ में इसमें ऑटो डाउन का फीचर मिल रहा है, पहले मैं आपको चेकिंग कराता हूँ। ये देखो भाई हाथ ऊपर है, एक बार बटन दबाया ये नीचे, खाली ऑटो डाउन का ही फीचर मिलता है गाइस, यानी कि ऑटो अप का भी मिल जाए। देखो एक बार दबाया हाथ इधर और ये देखो मिरर जो है सारे नीचे हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा प्रॉपर जेन्युइन रहता है। बात करें कि ये जेन्युइन इसमें हमने जो वायरिंग वगैरह है वो यूज की है कि नहीं की है, जेन्युइन वायरिंग यूज करेंगे गाइस तभी इसका ऑटो डाउन का फीचर यहाँ पे कामयाब होता है, देख सकते हैं। वरना अगर आप दूसरे ब्रांड की लगवाते हैं, RD वगैरह हो गई या कोई और कंपनी की लगवाते हैं, तो उसमें ऑटो डाउन का फीचर नहीं मिलता है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, और इसके अंदर जो मोटर्स लगी है वो भी मारुति जेन्युइन लगाई गई है गाइस। इसके अंदर जो मोटर लगी है, वायरिंग लगी है, कैचिया लगी है, जो भी चीज इसमें लगी है सब मारुति जेन्युइन है। अब एक कंप्लीट प्राइस आपको एक कंप्लीट पैकेज बता देता हूँ क्या कुछ रहने वाला है, पावर विंडो प्लस उसकी वायरिंग प्लस उसकी कैची उसकी मोटर सब कुछ इंक्लूड करके आपको मिलेगा ये मात्र और मात्र 13,000 रुपए में। मात्र वहां 13,000 रुपए के अंदर आपको पावर विंडो कंप्लीट सेट करके फिट करके हर चीज करके दे देंगे मात्र 13,000 रुपए में। ये रेट आपको ना गाइस कहीं भी नहीं मिलने वाला, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि इससे सस्ता और इससे जेन्युइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा A4 कार एसेसरीज पे। भाई पावर विंडो तो मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है भाइयों। तो ये फैलानी है आपको ये वीडियो गाइस, ये आपका काम है इसको फैलाना है उन भाइयों पे जिन भाइयों पे हमारे डिजायर है, उनको काम करवाना है और एक अच्छा रेट चाहिए, एक अच्छा डिस्काउंट चाहिए, तो उनको तो जरूर शेयर करना है। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या अपग्रेड हुआ, तो हमारा स्टेयरिंग।
का स्टेयरिंग रैप करा के ना कोई सा भी स्टेयरिंग यहाँ पे जो है ना लुक उसकी बहुत अच्छी निकल के आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरिंग रैप करा है, मून डिजाइन के अंदर हमारा रहने वाला है, फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर है। उसके बाद सिलाइयां चेक कर लो भाइयों, सिलाइयां भी कितनी बढ़िया तरीके से करी गई है, हल्के से भी आपको यहाँ पे रिंकल देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिटमेंट कितनी प्रॉपर तरीके से रहने वाली है। उसके बाद बात करें मून डिजाइन, तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी किसी भाई को प्लेन रखना है, टू कट में रखना है, फोर कट में रखना है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में बात करें स्टेयरिंग की, तो गाइस ये वही स्टेयरिंग है जो बेस मॉडल में लग के आता है, बाकी किसी भाई को यहाँ पे स्टेयरिंग अपग्रेड करवाना है, मान लीजिए ZXI वाला चाहिए और एक आता हमारा क्रोम वाला, तो क्रोम वाली भी आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको जो ब्लैक कलर का स्टेयरिंग होता है जिसके ऊपर आप स्टेयरिंग रैप भी करवा सकते हैं, वो मिलेगा आपको मात्र कंप्लीट 2000 रुपए में। बेस टू टॉप कराने पे आपको स्टेयरिंग जो है 2000 रुपए में मिल जाएगा विद हब के साथ, विद हब फिटमेंट के साथ आपको स्टेयरिंग मिलेगा मात्र 2000 रुपए में। लेकिन ये प्राइसिंग उन्हीं भाइयों के लिए वैलिड है जिनका काम होता है बेस टू टॉप का, या एक अच्छा खासा बिल होता है जिनका, उनके लिए ये प्राइसिंग रहने वाली है। उसके बाद बात करें किसी भाई को इसमें मीटर चेंज करवाना है, मीटर भी मिल जाएगा, मीटर की प्राइसिंग रहेगी मात्र 8500 रुपए में, आप यहाँ पे मीटर जो है चेंज करवा सकते हैं। तो 8500 रुपए में मीटर, 8500 रुपए में मिरर, 13000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा हमारा पूरा का पूरा पावर विंडो विद कंप्लीट कैची हो गई, मोटर हो गई, वायरिंग हो गई, सब कुछ इंक्लूड रहने वाला है 13000 रुपए में। 2000 रुपए में स्टेयरिंग मिल जाएगा विद हब के साथ। और बात करें इसमें और क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड है, तो यहाँ देखिए हमारा जो सिस्टम लगाया गया है देख सकते हैं, सिस्टम का जो हमारा इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बाकी एप्स की बात करें तो देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन इसके अंदर अवेलेबल होने वाली है हमारी, देख सकते हैं प्ले स्टोर है, क्रोम है, उसके बाद नेविगेशन हो गई, यानी कंप्लीट जो पैकेज होता है ना वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड आपको मिल जाएगा। बाकी फिर भी किसी भाई को यहाँ पे डाउनलोड करना हो कुछ, आप प्ले स्टोर के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा ट्रेंड पे चल रहा है डायमंड 2K स्टीरियो, आप वो भी यहाँ पे लगवा सकते हैं, फिटिंग बिल्कुल ओके मिलेगी, ये नहीं कि जुगाड़ करके आपका लगा दिया, नहीं, फिटिंग बिल्कुल आपको ओके देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाड़ी को लग्जरी बनाने के लिए हमने इसके अंदर एम्बेंट लाइट इंस्टॉल करी है, देख सकते हैं एम्बेंट लाइटिंग यहाँ पे हमारी K3 रहने वाली है, देख सकते हैं इसके अंदर भी थोड़े बहुत आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं, बाकी ये रनिंग कलर नहीं रहता है, रनिंग कलर में चाहिए तो आपको K4 में जाना पड़ेगा, K4 में आपको रनिंग कलर्स मिल जाएंगे, मल्टी मोड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो रही हमारी एम्बेंट की बात, अब बात करें मेन जो है सीट कवर, तो गाइस जब तक गाड़ी में कंफर्टनेस ना हो ना तो मजा नहीं आता गाड़ी चलाने का, तो उसके लिए रहने वाले हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर्स, चेक कर सकते हैं लुक कितनी अच्छी है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही फिटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, फिटिंग बिल्कुल बकेट वाली फिटिंग रहने वाली है, बकेट फिटिंग के साथ सिलाइयां देखिए भाइयों, ये देखो सिलाई कितनी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहने वाली है, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सिलाई कर दी है जिससे अनाड़ियों वाला काम हो, अनाड़ी वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, सारा प्रोफेशनल वर्कर के थ्रू करा जाता है। इसमें क्या क्या फीचर मिलता है पहले तो ये देखो भाई, कुछ नहीं, ये देखो भाई कुछ नहीं, ये है बैक सपोर्ट हमारा, बैक सपोर्ट में थोड़े से डिजाइन है यहाँ पे डायमंड शेप के, आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल रही है, देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे स्पॉन्ज भरा गया है ताकि पूरा बैक सपोर्ट जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे हो जाए, देख सकते हैं फुल्ली बैक सपोर्ट है, साथ में इसमें भी डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। और बात करें यहाँ देख सकते हैं कंफर्ट, ये देखिए भाई कंफर्ट तो बहुत अच्छी है, यानी ड्राइविंग करने में ना आपको मजा आ जाएगा, जो प्रॉब्लम होती थी ना थोड़ी देर गाड़ी चलाई फिर यहाँ पे थोड़ा आपके कमर में दर्द हो गया, यहाँ पे आपके थाई में दर्द हो गया, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही आपकी दूर हो जाएगी उस सीट कवर से, क्योंकि गाइस ये सीट कवर आपको फुल्ली रिलैक्स रखेंगे। बात करें कस्टमाइजेशन की, डिजाइन की, तो डिजाइन की भरमार है, कस्टमाइजेशन भी आप करवा सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली तो यही हुआ था। और एक लास्ट में हमारी हुई है यहाँ पे फ्लोरिंग, फ्लोरिंग देख लीजिए डाई वाली फ्लोरिंग रहने वाली है, जिसकी फिटिंग देख लीजिए बिल्कुल OEM रहने वाली है, देख सकते हैं पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से 0-0 फिट है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा तो गाइज आप इजिली उसको साफ कर सकते हैं, गीला कपड़ा मारो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो गाड़ी में तो यही कुछ हुआ था, अब चलते एक बार कस्टमर के पास, लेते हैं उनसे रिव्यू, पूछते हैं उनको यहाँ पे काम कैसा लगा। तो ये रहे भाई हमारे गाड़ी के ओनर, कैसे सर आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ? मैं भी बढ़िया सर, आपका नाम? विकास। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। यानी दिल्ली के रहने वाले हैं? जी भाई। तो सर दिल्ली में ही आपको यहाँ पे पता कहाँ से चला अतुल भैया के बारे में, A4 कार एसेसरीज के बारे में, कि यहाँ पे डिजायर का काम किया जाता है? भाई मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे। जी ठीक है, उसके बाद मुझे अच्छा लगा, फिर उसके बाद मैं भाई से बात किया जी, लोकेशन भेजी भाई ने, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया। तो
तो यानी सर आप वीडियो देख के आए हैं, तो सर जैसा कि आपको वीडियो में हम प्राइसिंग बताते हैं, जो भी हमने ऑफर्स लॉन्च की है यहाँ पे, हर चीज बताया आपको, सीट कवर्स दिखाए, क्वालिटीज दिखाई है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, तो आपको सेम वैसा ही मिला या ऐसा काम मिला है कि कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए हमने कुछ गलत दिखाया है और आपको यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहे हैं? जेन्युइन भाई, एकदम ओके जी, ठीक है, सब कुछ ओके भाई, जैसे वीडियो में देखा वो ऐसे ही मिला। कोई ऐसा तो नहीं कि वीडियो में हम कुछ और दिखा रहे हैं यहाँ पे लाके कुछ और कर रहे काम? नहीं भाई, बाकी सब ओके है, ठीक है जी, दिल खुश कर दिया भाई ने जी, नेक्स्ट सीन में तब सब कुछ ओके है, फिनिशिंग बढ़िया लगी है आपको? बाकी सर आपने जो सीट कवर लगवाए हैं कैसे लग रहे हैं पहले के मुकाबले? भाई बहुत ही प्यारे हैं सीट कवर, बैठने में भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा, मतलब ठीक है जी, पहले से तो बहुत बेहतर है जी, ठीक है, बैठने में कोई दिक्कत उक्कत नहीं हो रही जी, बाकी गाड़ी का जो लुकिंग वुकिंग है अब ठीक लग रहा देखने में भाई, पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है, पहले से बहुत बढ़िया लग रहा जी, पैसे खर्च हुए लेकिन भाई मस्त लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, यानी बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो सर एक चीज और बताइए, जैसे कि आप घर से निकले होंगे तो एक बजट लेके चले होंगे कि मुझे इस बजट के अंदर काम करवाना है, उस बजट में आपका काम हो गया? जी भाई हो गया उस बजट। बाकी एक बात करते, एक छोटी सी आपसे मैं रेटिंग लेना चाहूंगा, 10 में से क्या रेटिंग देंगे? भाई 10 में तो 10 देना चाहता हूँ मैं भाई, यानी फुल नंबर रहने वाले हैं? नंबर है भाई। ठीक है भैया, शुक्रिया फुल नंबर देने के लिए। और एक चीज और, जैसे कि आप भी YouTube से आए देख के, आपको लोग YouTube पे देख रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे आप? भाई जो भी भाई YouTube चैनल देख रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आप कहीं जाने गाड़ी का कोई भी काम करवाना हो जी, तो भाई के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, उसपे यूट्यूब पे लिंक होगा आपका, ठीक है, वहाँ पे देख के आप आ सकते हो मैप द्वारा जी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी? बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, 100 पे करोलबाग में जी, आप आगे करोलबाग में कॉल कर लेना भाई, आप खुद पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, यानी फुली सेटिस्फाई होगी जा रहे जी। शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। ओके भाई, थैंक यू। तो भाइयों गाड़ी में तो यही कुछ किया गया था, बाकी आपको ओनर का रिव्यू भी सुना दिया है, उनको काम भी बहुत अच्छा लगा है, बाकी वीडियो तो यहीं तक की थी, अब वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको भी ऐसा काम करवाना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी शॉप A4 कार एसेसरीज पे, जहां आपको मारुति जेन्युइन सारी एसेसरीज देखने को मिल जाएगी एक रीजनेबल रेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।